हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार, सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 144। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। और शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, लूफेंग और सीमा फैमिली के लीडर के बीच में फाइट चल रही होती है और लूफेंग उस फाइट में हार रहा होता है, क्योंकि सीमा फैमिली के लीडर की पावर लूफेंग से काफी ज्यादा होती है। कि पावर की इम्पैक्ट की वजह से लूफेंग के साथी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहे होते हैं। लेकिन तभी लूफेंग को और भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी का फील होने लगता है। वहाँ पे लूशन टेम्पल की गॉडेस और उनकी मास्टर फेरी जियान आई होती है, जिनकी की एनर्जी सच में काफी ज्यादा होती है। इसके आए का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में वहाँ पे खड़े सभी लोग उनको ग्रीटिंग पेश करते हैं और कहते हैं, आपका स्वागत है फेरी जियान। अभी वो नीचे उतर आती है और लूफेंग भी उनकी पावर्स को देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या ये सिक्स लेवल ऑफ स्केलर रिल्म में है। लेकिन तभी मास्टर जिया लूफेंग को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसके ऊपर अपनी स्पेशल पावर्स के साथ अटैक करते हुए कहती है, इतने घटिया भेष के साथ तुमने अपने आप को एक ट्रैप में फंसा लिया है। श्री और लूफेंग, किंग चू और पेंगोन सारे ही मास्टर जिया के अटैक को रोक नहीं पाते, अटैक से सीधा हिट होकर के नीचे जाकर के गिरते हैं। लूफेंग कहता है कि इनके और हमारे बीच में एक काफी बड़ा पावर डिफरेंस है, टाइम आ गया है कि हम इनके साथ फाइट लड़ने के लिए उस मूव को यूज करें। लूफेंग कहता है कि ब्रदर, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ हम लोग मिलकर के 5 थंडरबोल्ट और ओवर 10 सी अटैक यूज करेंगे। अभी मास्टर जिया भी लूफेंग को देख करके कहती हैं, यहाँ तक कि तुम ऑलरेडी मरने वाले हो लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने स्ट्रगल करने का ट्राई कर रहे हो। लूफेंग कहता है कि ये पक्का नहीं है, विंड और रेन को बुलाओ। लूफेंग के इतना कहते ही वहाँ पे एक जोरदार पर्पल लाइटनिंग का अटैक होने लगता है, जो कि सीधा वहाँ पे खड़े सभी स्टूडेंट्स को हिट करता है। और उस अटैक को देख करके सीमा फैमिली के लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने सभी लोगों से कहते हैं कि जल्दी से अपने डिफेंस को स्टार्ट करो। और फिर तभी हम लोगों को दिखाते हैं कि लूफेंग के अटैक से एक और वाटर टोर्नेडो का अटैक होता है, दूसरी ओर आसमान से पर्पल लाइटनिंग का अटैक हो रहा होता है। तभी किंगचू भी उन लोगों से कहता जाता है कि ये हमारे ड्रैगन पैलेस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेगेसी है। तभी जूफेंग भी कहता है कि ब्रदर, लेट्स गो, जल्दी से यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी मास्टर जिया उन्हें भागते हुए देख करके अपनी की एनर्जी से काफी सारे बड़े बड़े ब्लू कलर के भाले बना करके कहती हैं कि अगर हम इस सन को यहाँ से जाने देंगे तो हमारे लिए मुश्किलों का कोई अंत नहीं होगा। न कह करके वो अपनी की एनर्जी से बने हुए वेपन से लूफेंग के ऊपर अटैक कर देती हैं। लेकिन तभी उनके अटैक्स को रोकने के लिए वहाँ पे बुद्धा की एनर्जी से बनी हुई एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट होती है और उन सारे अटैक्स को वहीं पर रोक देती है। और तभी हम लोगों को दिखाते हैं कि वो बुद्धा की एनर्जी से बनी हुई शील्ड सी मोंग ने क्रिएट की होती है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में हमने सिटी के बाहर गेट के ऊपर खड़े हुए देखे थे। तभी वो मोंग कहते हैं कि आखिर तुम एंड को ड्राइव कैसे कर सकती हो। दूसरी ओर उस मोंग को देख करके मास्टर जिया भी काफी ज्यादा हैरान होती है और लूफेंग भी कहता है कि एक मोंग जो कि एक्चुअली में लूशन टेम्पल की लॉर्ड को रोक रहा है, सच में ये तो हमारे लिए एक बहुत ही ग्रेट हेल्प है। न कहकर के लूफेंग वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी स्ट्रॉम में फंसे सीमा फैमिली के लीडर अपने गार्ड से कहते हैं, इमीडिएटली गॉडेस सिटी को ब्लॉक कर दो कि हम लोग इन्हें यहाँ से ऐसे भागने नहीं देंगे। नेक्स्ट सीन में लूफेंग और उसके सभी साथी लूशन टेम्पल के बाहर स्ट्रीट में आ जाते हैं। लूफेंग कहता है कि एक्चुअली में हमारा ये एक्शन काफी ज्यादा लापरवाह था, कि हम लोग अभी तो उन लोगों से बच करके यहाँ पे आ गए हैं। तभी पेंगुइन भी कहता है कि बॉस, अब आखिर हम आगे क्या करें। अभी किंगचू भी कहता है कि अभी के समय हम लोग मिलकर के ब्रदर टैंग और बाकी सभी से मिलकर के कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकते। तभी लूफेंग भी कहता है कि हाँ, वो लोग डेफिनेटली इस सिटी को सील्ड कर देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर किसी भी जगह को छुपने के लिए ढूंढ नहीं पाएंगे। लूफेंग ये सब बात कर ही रहा होता है कि अचानक वहाँ पे वो अपनी ओर काफी सारे सोल्जर्स को आते हुए देखता है और फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है कि ओ नो, इन लोगों ने हमें काफी जल्दी ही ढूंढ लिया। लेकिन तभी उन लोगों की गॉडेस आगे बढ़ती है और लूफेंग से रोकते हुए कहती है, प्लीज रुक जाएं, हम लोग आपके दुश्मन नहीं है। पेंगुइन भी उन्हें देख करके कहता है, क्या ये टिंगफेंग टावर से कोई है। लूफेंग कहता है कि मुझे ये नहीं पता। तभी वो लड़की लूफेंग को ग्रीट करते हुए कहती है,
जी, आप टाइली ब्रांच की लेगेसी के डिसाइपल सॉन्ग सी यू गॉड ऑफ सन से मिलने के लिए गए और ये सुनकर के लूफिंग काफी ज्यादा हैरान होता है, मगर साथ ही वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की अपने पास से एक बैच निकालते हुए लूफिंग से कहती है कि आपके पास जो टोकन है उसके ऊपर एक स्पेशल मार्किंग है, इसलिए मैं आपको ट्रैक कर सकती हूँ। और आपके पास जो डिवाइन स्वॉर्ड है वो इस बात का सबसे बेस्ट प्रूफ है। लूफिंग भी अपने पास से उस टोकन को निकालते हुए कहता है, तो क्या आपके पास इस गॉडेस सिटी को छोड़ के जाने का कोई रास्ता है? तभी वो टोकन भी जोरों से चमकने लगता है और लूफिंग कहता है, अब जब टोकन ने जवाब दे दिया है तो अब मेरे पास उसके ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। तभी वो गॉडेस भी कहती है कि अब जब बड़ी ताकतें आपका पीछा कर रही हैं, तो फिर आपको अपने सेफ्टी रीजंस की वजह से प्लीज थोड़ी देर के लिए टिंग फेंग टावर के सीक्रेट रूम में शेल्टर लें और मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी को देखूंगी जिससे कि मैं आपको इस शहर से इजीली बाहर निकाल पाऊं। तभी लूफेंग भी रेडी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, ये सेफली है इसीलिए। तभी वो गॉडेस भी कहती है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं यहाँ पे आपको सेफ रखने के लिए अपना बेस्ट दूंगी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको हमारे ये वाला एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना और साथ ही हमें कमेंट में बताना कि आपको हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।